बीते दिनों हरियाणा में कई स्कूल बस हादसे हुए। इस दौरान कई बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी। इन हादसों में कई जगह स्कूल बस चालकों की गलतियां भी सामने आई, जिससे निजात पाने और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर अंबाला में स्कूल बस चालकों और परिचालकों के लिए सुरक्षित वाहन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर को ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यशाला में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल संचालकों ने मंत्री असीम गोयल को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यशाला के बारे में बताते हुए मंत्री असीम गोयल ने कहा कि आज परिवहन विभाग के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा और ऐसी कार्यशालाओं से काफी फायदा मिलेगा। आज HPCA और सोहदया ने मिलकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बहुत अनूठा प्रयास, जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के नाते, जो बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है, उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप का जो आयोजन किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक अनूठी पहल है, सबको इससे सीखना भी चाहिए और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा भविष्य के अंदर होने वाला है। साथ ही असीम गोयल ने बताया कि भविष्य में इन ड्राइवरों को सारथी का नाम देने के लिए भी विभाग को प्रपोजल भेज दिया गया है। वहीं अब से सभी स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने को लेकर मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, इससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना भी आएगी। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।